राशन लेने तो नहीं आए भाई, गरीब आदमी हाँ। मैं तो लंगड़ी हुई बैठी, ई मन तो दो रोटी खानी, बेटे में बैठी बड़े में। इब जो राशन मिल रहा हो तो ले आऊंगी लंगड़ी लंगड़ी। फिर इब झंडा मिल रहा जो ई 25 रुपये कैब तो कहाँ थे, बुढ़िया कहाँ थे देगी। बस फिर सरकार ने तो कहा कि कोई जबरदस्ती नहीं है। बस फिर इब दे दिए मन्ना तो जबरदस्ती दिए नहीं, जबरदस्ती ने उन्ना कहा भी झंडे के 25 रुपये लगा दे, चल दे दिए। चलो कोई बात नहीं, दर्शनी पैसे पर मांग रहे हो भाई, नहीं झंडा नहीं रहता क्यों नहीं मिलती है, जरूरी है। हाँ झंडा का जरूरी है, कोई सरकार से तो कोई आदेश नहीं है सरकार, पता नहीं पूछे सर सामने बैठे तो पूछे क्या बोल रहे हैं, क्यों कहा झंडे का पैसे पहला क्यों बात मिला क्यों नहीं मिलती है बिना झंडे। अच्छा क्या नाम है, हम राशन दे रहे हैं झंडा, जिसको जरूरत है वो उसको दे रहे हैं, जबरदस्ती हम किसी से नहीं कर रहे हैं। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि मैंने झंडा नहीं लेंगे तो गेहूँ भी नहीं देंगे। ऐसा कुछ नहीं मैंने कहा, ये पार्टी बाजी है, जो पार्टी बाजी में लोग कहते हैं भाई इसका कोई विरोध हो, मैंने किसी को कोई नहीं कहा कि मैं गेहूं नहीं देता हूं। पार्टी बाजी का तो सवाल यहां होता ही नहीं, क्योंकि आप तो डीप होल्डर हैं, आपके पास जो राशन मिलने का है वो जरूरतमंद लोग। मैं सबके सामने यही कह रहा हूं, मैं किसी से कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, जिस भाई को इच्छा हो, हमारा भारत माता का झंडा है, खुशी से कोई ले। सर आपने एक बात कही है, जिसको जरूरत हो झंडा ले, क्या ऐसा भी प्रावधान है? आपने अभी एक बात कही, जिसको जरूरत हो झंडा ले। हाँ मैं ये कह रहा हूँ भाई, सरकार ने हमें दिए हैं बांटने के लिए, तो जिस भाई को इच्छा हो ले, हम किसी से कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। सरकार ने ये भी कहा है कि किसी की इच्छा हो तो लेगा। हाँ जी सरकार ने कहा है कि किसी की इच्छा, सरकार ने कहा है ना, दिए है ना भाई, जो लेगा उनको दे दो। अच्छा तो फिर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं, तो कि आप 25 रुपये का झंडा दे रहे हैं और जबरदस्ती भी कर रहे हैं। जबरदस्ती मैं कोई नहीं कर रहा हूँ, जिस भाई की इच्छा हो लो, जिस भाई की इच्छा हो ना लो। पहले झंडे के पैसे काटे जा रहे हैं राशन के बाद, ऐसा है जी मैं इकट्ठे ही ले रहा हूँ, जो जो नहीं जो यहाँ पे राशन लेने के लिए आ रहे हैं उनका कहना यही है कि पहले झंडे के पैसे काट रहे हैं। ऐसा है जी, मान लो किसी का 80 रुपये का गेहूँ बनता है, तो उससे मैं 100 रुपये ले रहा हूँ, 105 रुपये, तो पहले पूछ रहा हूँ लेना है, वो कह रहे हैं लेना है, तभी मैं झंडे के काट रहा हूँ, नहीं तो उनके सिर्फ गेहूँ के काट रहा हूँ। 25 रुपये का हमें जो सरकार ने हमारे फूड सप्लाई ऑफिसर ने कहा है 25 रुपये का देना है। किस डिपो से आप?